बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और क्या हुआ? और क्या हुआ, वैसे ही जो हमेशा होता है, अंजलि मेरे प्यार में पड़ गई। इन लड़कियों को दिमाग ही नहीं होता। खूबसूरत थी, पैसे वाली थी, मुझ जैसा हैंडसम लड़का ढूंढती, तुम्हारे जैसा इडियट के चक्कर में पड़ गई। आई हेट देम। अबे तेरी तो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। एक पैग लो, एक पैग लो। उसके बाद क्या हुआ? ये वाला देना। 300। इस पे कुछ मैसेज लिखना है। To Venkatesh, with love, Anjali. Hey, Anjali. Hey, Rekha, तुम यहाँ कैसे? ये क्या? मेरी कॉलोनी में आके मुझसे ही पूछ रही हो? और बताओ, तुम आज मेरी कॉलोनी में? वेंकटेश मेरा फ्रेंड है, मैं उससे मिलने आई हूँ। दोस्ती करने के लिए तुम्हें यही मिला था? नहीं, वो बहुत अच्छा इंसान है। तुम किसी और की बात कर रही हो? तुम उस गैरेज वाले की बात कर रही हो? वो तो एक नंबर का लफंगा है। रेखा, तुम शायद पूरी तरह उसके बारे में नहीं जानती हो। तुम तो क्या, मैंने भी पहले उसे गलत ही समझा था। अरे यार, इसमें समझने की क्या बात है? तुम शायद उसे ठीक से नहीं जानती। वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, टू इंटेलिजेंट, वेरी जीनियस। मैं बिल्कुल नहीं मान सकती। नहीं मानती? नहीं मानती? नहीं मानती? ये आंध्र ज्योति, हिंदी, इंग्लिश पढ़ लो। गवर्नमेंट कॉलेज का टॉपर स्टूडेंट, स्टेट का टॉपर। तुमने उसके बारे में जो भी कुछ सोचा था, वो सारी बातें गलत है, गलत है। उस साल एमसेट में लाखों लोगों ने एग्जाम दिया था, उसमें से ये फर्स्ट है। अच्छा, एक मिनट रुको। पढ़ो इसे। एमसेट में टॉप करने वालों की लिस्ट, पर इसमें उसका नाम ही नहीं है। एमसेट एग्जाम्स में स्टेट्स के टॉपर्स की लिस्ट, ये क्या है? असलियत मैं तुम्हें बताती हूँ। ये सब क्या है? इसमें से तो मुझे एक का भी जवाब नहीं आता है। यहाँ तो बहुत सारे लाल और ब्लू बॉल बनाने के लिए बोले हैं, अब किसको लाल बनाओ किसको सफेद बनाओ को समझ में नहीं आ रहा है। क्या सही बताओ क्या गलत बताओ को समझ में नहीं आ रहा है। ये साले लोग तो ताश और बॉल के साथ खेलकर इंजीनियर बनने की सोच रहे हैं। लास्ट वन आवर। अरे वेंकटेश, ये तो तेरे बस के बाहर है। मैडम। क्या है? मुझे जाना है। तुम नहीं जा सकते। क्यों? अकॉर्डिंग टू द रूल, लास्ट हाफ एन आवर के बाद ही आप बाहर जा सकते हैं। क्या है ये सब? ये एग्जाम हॉल है या कोई जेल बना कर रखा है? देखिए, आप ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो हमें यहाँ पुलिस को बुलाना पड़ेगा। वो लोग यहाँ आएंगे और आपको यहाँ से जेल ले जाएंगे। कोई बात नहीं, इतनी मेहरबानी मत कीजिए। 20 मिनट रह गए हैं ना, मैं वेट कर लेता हूँ। उस साल OMR शीट पहली बार इंट्रोड्यूस हुई थी। सिंपल तरीका था, ABCD को पेंसिल से डार्क करना था। 20 मिनट का टाइम पास करना है, चलो कुछ कर ही लेता हूँ। ओके, सबको राउंड कर दूँ? आपको सही उत्तर जानने के बाद पेंसिल से सही उत्तर को मार्क करना था। जो उत्तर सही है उसे मार्क करिए, बाकी तीन ऑप्शन जो बचते हैं उन्हें छोड़ दीजिए। जो ऑप्शन सही है सिर्फ उसी ऑप्शन को मार्क करिए। अगर आपके हिसाब से चारों ऑप्शन सही हैं तो चारों को मार्क करिए। इसके लिए आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सो इसी बेवकूफ़ी की वजह से उसका नाम सारे न्यूज़पेपर में आ गया। वो इंटरमीडिएट के एक भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुआ था, तो आप पूरे स्टेट में फर्स्ट कैसे आए? यही पूछने के लिए दूसरे दिन पत्रकार उसके घर गए। नेक्स्ट डे उस फ्रॉड के घर पे सब पहुंच गए। क्या ये सब? सर आप फर्स्ट कैसे आए? क्या आप 16 घंटे पढ़ते हो? आप कोई क्लेम करना चाहते हैं इस बड़ी सी अचीवमेंट के लिए?
आपने कहा था आप पानी से कार चलाएंगे। कुल बकवास। इसका मतलब वो टॉपर नहीं है। ओ हे भगवान। अरे यार वो एग्जाम में फर्स्ट वर्ड कुछ नहीं आया था, उसे नेगेटिव मार्किंग की वजह से -400 मिला था। हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी को इतने नेगेटिव मार्क्स मिले हैं। ए, इस जगह को अच्छी तरह से साफ कर दे, मैं थोड़ी देर में काम पड़ा के आता हूँ। ए, तू टायर के साथ क्या कर रहा है, चल निकल। अबे इसको कौन रखेगा, ये सब मुझे पसंद नहीं है, सब कुछ साफ सुथरा होना चाहिए। क्या हुआ अंजलि? क्या हुआ अंजलि? मैं तुम्हें सच बताना ही चाहता था, पर समझ नहीं पा रहा था कि कैसे बताऊं। किस तरह के इंसान हो तुम? हाँ, तुम्हें झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आई? अंजलि प्लीज समझने की कोशिश करो। अब बस अंजलि, अब और नहीं। अंजलि प्लीज, बस मेरी बात बस हो गया। अंजलि तुम बहुत बड़े झूठे हो। अंजलि समझ में नहीं आ रहा कि तुम गुस्सा हो कि दुखी हो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मैं समझ नहीं पा रही हूँ। देखा, पढ़ा लिखा होना जरूरी है, वो रैंकर तो नहीं है लेकिन एक अच्छा इंसान तो है। मैं समझ गई, तू गई, तेरा दिमाग खराब हो चुका है। अरे यार मुझे दुख इस बात का नहीं है कि अंजलि मुझे छोड़कर चली गई, पर उसका मुझे अनदेखा करना अंदर ही अंदर जला रहा है। यहाँ बहुत दर्द होता है, ला इधर दे। अरे और ज्यादा पिएगा तो तेरे को लग जाएगी, क्या कर रहा है? एक बात बता, इतनी शराब पीने के बाद भी चढ़ नहीं रही है, मैंने सोचा पीऊंगा तो इमोशंस बाहर आएंगे। अबे डुप्लीकेट दारू लेकर आया तू? एक तू ही है ना जिसने कहा था कि वो लड़की तुझसे प्यार करती है। हाँ। तो फिर क्यों वो मुझे देखकर मुझसे दूर भागती है, मुझे अनदेखा करती है? उसका मोबाइल भी हमेशा स्विच ऑफ रहता है। लैंडलाइन पे फोन करो ना। हाँ? लैंडलाइन पे वो स्विच ऑफ नहीं होगा। तू करेक्ट बोला,